नमस्कार, स्वागत है आपका इट्स इन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। इस बुलेटिन में आज बात होगी आरजेडी के 25वें वर्षगांठ पर लालू के वापसी की, यूपी में तेज हो रही चुनावी सरगर्मी की, विपक्ष की केंद्र पर निशानेबाजी की और आखिर में बात होगी रेलवे और मौसम के हाल की। मगर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। मॉनसून में देरी के कारण मौसम विभाग पर उठे सवाल, आईएमडी ने कहा कोई अनुमान नहीं होता 100% सटीक। महज 10 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट खरीद कर भी ट्रेन में कर सकते हैं सफर। रेलवे के नियमों के मुताबिक यदि आपको अचानक यात्रा करनी पड़ जाए तो आप रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म टिकट खरीद कर भी यात्रा कर सकते हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल की नई स्टडी में यह पता चला कि फाइजर और मॉडर्ना की सिंगल डोज वैक्सीन संक्रमण की रोकथाम में 80% असरदार है। अब बात करते हैं देश और विदेश की बड़ी और अहम खबरों की। संजय राउत बोले, शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता आमिर किरण की तरह। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को देखें तो नए संकेत दिखाई पड़ते हैं। इस हलचल को लेकर सोमवार को शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने एक दिलचस्प बयान दिया है। टोक्यो ओलंपिक के दंगल में लड़ेगी हरियाणा की बेटी सीमा, 12 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी पहलवानी। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, राकेश टिकैत ने लगाए धांधली के आरोप। विपक्ष की हालत पर बेघर और बेकार जैसी सरकार गिरने के सपने से बाहर आए, शिवसेना का बीजेपी पर तंज। बीजेपी विधायक पर हमला, शुभेंदु अधिकारी बोले बंगाल की स्थिति जंगल राज जैसी। जम्मू कश्मीर के घाटी में बढ़ा सियासी पारा, फारूक के बाद महबूबा के आवास पर गुपकर की बैठक। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर जेडीयू का हमला, जारी किए भ्रष्टाचार वाले पोस्टर। दिल्ली अनलॉक 6 में स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बगैर दर्शक खोलने की अनुमति, थिएटर स्कूल रहेंगे बंद। दिल्ली में पानी संकट के बीच सांसद मनोज तिवारी ने लगाई पंचायत दिखाए गए काले झंडे। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने प्रचार पब्लिसिटी में खर्च कर दिए 155 करोड़। पिछले 16 महीनों में सरकार ने सिर्फ प्रचार के लिए 155 करोड़ खर्च किए हैं, इसमें भी सोशल मीडिया के जरिए प्रचार पर ज्यादा खर्च किया गया है। मध्य प्रदेश में साध्वी प्रज्ञा के बास्केटबॉल खेलने पर उठे सवाल, कांग्रेस के तंज पर दिया जवाब। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, मैंने भोपाल में सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन और बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाई फ्री बिजली की मांग, सरकार को दिए सुझाव। नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, आइए हम कांग्रेस हाईकमान के लोगों के हित में तैयार 18 पॉइंट्स वाले एजेंडा से शुरू करें। मिशन 2022 की चुनावी रणनीति में जुटी प्रियंका गांधी, पंचायत चुनाव में नहीं खुला कांग्रेस का खाता। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद को याद आए रामविलास पासवान। राजद के स्थापना दिवस पर पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सुप्रीमो लालू प्रसाद वर्चुअल तरीके से संबोधित कर रहे हैं। लालू की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव पटना में हैं। मोहन भागवत के बयान पर बोले, वैसी हिंसा और कत्ल गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच। शिमला में आईजीएमसी में भर्ती वीरभद्र सिंह से मिलने पहुंचे जेपी नड्डा, पूर्व सीएम को बताया बोल्ड लीडर। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा स्थिरता के लिए सीएम योगी को उत्तराखंड ट्रांसफर करे बीजेपी। लगातार महंगा हो रहा पेट्रोल, दिल्ली में भी 100 रुपए के करीब पहुंचा भाव, तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। 9000 रुपए सस्ता सोना खरीदने का मौका, सोने की कीमतों में आज फिर नरमी देखने को मिल रही है। आईपीएल के मेगा ऑक्शन की तारीख तय, 2 नई टीमों के 50 और खिलाड़ी टी20 लीग में खेल सकेंगे। पृथ्वी शॉ ने टीम के साथियों को चेताया, कहा द्रविड़ है साथ, ड्रेसिंग रूम में अनुशासन की उम्मीद। इंडस्ट्री के पे गैप पर सोनम कपूर का बड़ा बयान, कहा मैं इसके खिलाफ गई तो मुझे रोल्स नहीं मिलेंगे। भूत पुलिस से सामने आया सैफ अली खान का फर्स्ट लुक, करीना बोली विभूति के साथ सैफ रहे। जब पहली पत्नी रीना दत्त से तलाक के बाद टूट गए थे आमिर खान, सलमान खान ने बढ़ाया था मदद का हाथ। अफगानिस्तान में महिलाएं अकेले ना निकले और पुरुष दाढ़ी रखे, तालिबान के नए नियम। ये तो थी आज की बड़ी और अहम खबरें, ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अब तक लिए इतना ही, इजाजत लेते हैं आपसे, तब तक लिए देखते रहे एचसी न्यूज। धन्यवाद।